मैं और नवाज शरीफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान की ख्वाहिश है मैं जेल चला जाऊं, मगर हम आवाज उठाते रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान खान इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। मालम जब्बा, चीनी, गंदम, अद्वियात और हेलीकॉप्टर स्कैंडल का क्या बना? चीनी स्कैंडल के असल जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। इमरान खान ने खुद एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। अलीमा बाजी की जायदादों पर कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारी मईशत के साथ भी बल्दिया फैक्ट्री जैसा हादसा होने वाला है। मरने के बाद भी करप्शन साबित हो जाए तो मुझे निकाल कर लटका दिया जाए। ऑपोजिशन लीडर दौरान खिताब जज्बाती हो गए। सिलेक्टेड वजीर आजम है, इन स्कैंडल्स को दिन रात छुपाने में न सिर्फ मसरूफ है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन अकाउंट्स पीटीआई के हैं 23 अकाउंट्स, वो ओपन एंड शट केस है। अगर इलेक्शन कमीशन कौम के सामने हकायक ले आए जो उसके पास मौजूद हैं, स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं, तो इमरान खान नियाजी एक सेकंड भी वजीर आजम नहीं रह सकता। और आज इल्जामात लगाते हैं हम पर, हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, इंसान हैं, ना तो वह इंसान है कि मुझे बताएं मालम जब्बा का केस क्यों नहीं खुला, हेलीकॉप्टर इंक्वायरी का क्या बना, चीनी स्कैंडल और गंदम स्कैंडल और दूसरे बड़े बड़े दवाइयों के स्कैंडल दो सालों में उसका क्या हुआ? अगर फेस नहीं केस को देखते हैं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था। इसके लिए हमें दोबारा फिर सबको या मुझे जेल में जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस रास्ते, इस गलियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा ना खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक थैला निकल आए, मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिएगा। इमरान खान नियाजी की हवस जो उसकी है कि मैं जेल जाऊं, अगर मैं जेल चला गया तो ये मेरे साथी वो इंशाल्लाह वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे कि जिसमें नवाज शरीफ की क्यादत ने, इस टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में 1 ट्रिलियन अरब रुपए की नेट सेविंग की है। नेट सेविंग मंजी थले आप अपना झाड़ू दें, क्या कहते हैं मंजी थले की कर मंजी थले डांग दें, डांग फेरे डांग, सॉरी डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह।